और इस बीच जांजगीर से एक बड़ी खबर मिली, इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सर्दी बुखार होने पर इलाज कराने के लिए महिला पहुंची थी अस्पताल, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक इसकी मौत हो गई। कन्हई बंद गाँव की ये महिला रहने वाली थी। नैला उप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर से आपको बता रहे हैं, जहाँ इंजेक्शन लगाने के बाद एक महिला की मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। और फिलहाल इस खबर पर पूरी ज्यादा जानकारी लेने के हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या है मामला और क्या आरोप परिजन हैं जो महिला के लगा रहे हैं अभी? देखिए, अभी ये बड़ी घटना है जिसमें कन्हई बन गांव के राकेश ताम्रकार हैं, जिनकी पत्नी है किरण ताम्रकार, ये दोनों नैला आ रहे थे गणेश दर्शन के लिए, और इस दौरान सर्दी बुखार की शिकायत थी, तो वो रास्ते में ही नैला में ही इलाज कराने के लिए रुके थे। और तो इसमें गणेश दर्शन के पहले ही जब वहां पर थोड़ा सा डॉक्टर से इलाज कराया, तो वहां ये परिजन का आरोप है कि वहां पर इंजेक्शन लगाने के बाद महिला किरण ताम्रकार की मौत हो गई है। और इस मामले में जब परिजन वहां घटना स्थल के बाद महिला को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। इसमें परिजन का साफ झोला छाप डॉक्टर है, उस पर परिजन ने आरोप लगाया है लापरवाही का। फिलहाल इस मामले में अभी कल महिला के शव का पोस्टमार्टम होगा जिला अस्पताल पे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इस महिला की मौत कैसे हुई है। लेकिन इस घटना के बाद परिजन सदमे में है और परिजन ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। राजकुमार, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान आया है? क्या इंजेक्शन को लेकर कोई बात सामने निकल कर आई है? देखिए, ये जो महिला है किरण ताम्रकार, ये झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने गई थी और ये नैला में है झोला छाप डॉक्टर, जैसे कि परिजन ने बताया है। अभी इस मामले में इसमें अभी तक परिजन से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने पुलिस से शिकायत की बात कही है, लेकिन इसमें अभी झोला छाप डॉक्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कल, जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, तो उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल अभी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप बता रहे कि झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच गए थे और अब जब मौत हो गई तो परिजन लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। इसमें दोनों तरफ से ही बातें निकलकर सामने आ रही कि पहले तो परिजनों ने खुद ही रिस्क लिया इस महिला ने, और अब मौत के बाद लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एक्शन क्या लिया जाता है पूरे मामले के लिए। पूरी जानकारी आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।